हेलो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम पढ़ेंगे डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन क्या होता है? डेक्सट्रिन पॉलीसेक्राइड के अंदर ही आता है। ये स्टार्च में पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, जब हम आटे से बनी हुई रोटी खाते हैं और तवे पर सेकते हैं तो रोटी का रंग सिकने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसी तरह चावल को अगर डायरेक्ट तवे पर सेका जाए तो वो भी लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये रंग का परिवर्तन का मुख्य कारण डेक्सट्रिन होता है। हीट ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्सट्रिन में परिवर्तित हो जाता है। जो भी स्टार्च है, स्टार्ची फूड है, जब वो हीट या किसी ताप के संपर्क में आते हैं तो वो उनके संपर्क में आने पर वो डेक्सट्रिन में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन क्रिया में स्टार्च पहले डेक्सट्रिन में परिवर्तित होता है, फिर माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम के साथ क्रिया करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च के जल अपघटन से भी डेक्सट्रिन प्राप्त होता है। डेक्सट्रिन की प्राप्ति का स्रोत मक्के की शर्करा, शहद आदि है। जब हम चपाती चबाकर खाते हैं तो चपाती थोड़ी देर में मीठे लगने लगती है, तो इसका भी मुख्य कारण डेक्सट्रिन ही है, क्योंकि चपाती में लार मिल जाती है जिससे रोटी गीली और चिपचिपी हो जाती है। लार में टाइलिंग नामक एंजाइम पाया जाता है जो पके हुए स्टार्च पर क्रिया करके उसको डेक्सट्रिन में बदल देता है। जो हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, वो पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और फिर उसे डेक्सट्रिन में बदल देता है। अंकुरित अनाजों में डेक्सट्रिन की मात्रा अधिक होती है। कॉर्न शुगर, कॉर्न सिरप में भी डेक्सट्रिन पाया जाता है। ये स्टार्च के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होता है। ये क्रिया अम्लो अथवा एल्फा या बीटा अमाइलेज द्वारा की जाती है। अमाइलोज से प्राप्त होने वाला डेक्सट्रिन शाखा रहित होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन से प्राप्त होने वाला डेक्सट्रिन शाखा युक्त होता है। मीन्स अमाइलोज से जो क्रिया होकर हमें डेक्सट्रिन प्राप्त हो रहा है तो उनमें कोई भी शाखाएं नहीं बनती हैं, उसमें सिर्फ श्रृंखलाएं होती हैं, शाखाएं नहीं होती हैं। और अमाइलोपेक्टिन से जो हमें डेक्सट्रिन प्राप्त हो रहा है उसमें श्रृंखलाओं के साथ साथ शाखाएं भी बनती हैं। इक्वेशन है, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस की क्रिया हुई, एमाइलेज एंजाइम लगा है, डेक्सट्रिन डेक्सट्रिन कन्वर्टेड टू माल्टोज, माल्टोज में माल्टेज एंजाइम लगाया और ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। डेक्सट्रिन के प्रकार सबसे पहला है माल्टोडेक्सट्रिन। माल्टोडेक्सट्रिन एक लघु श्रृंखला यानी कि एक शॉर्ट चेन स्टार्च चीनी है जिसका उपयोग फूड एडिटिव्स में किया जाता है। ये भी स्टार्च में एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर एक मलाईदार सफेद हाइग्रोस्कोपिक स्प्रे ड्राइड पाउडर के रूप में पाया जाता है। माल्टोडेक्सट्रिन आसानी से पचने योग्य होता है। साइक्लोडेक्सट्रिन, साइक्लिकल डेक्सट्रिन को साइक्लोडेक्सट्रिन के रूप में जाना जाता है। वह कुछ बैक्टीरिया द्वारा स्टार्च के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है पेनीबेसिलस मिसेरन्स। साइक्लोडेक्सट्रिन में 6 से 8 ग्लूकोज अवशिष्ट द्वारा गठित टोरोडियल संरचनाएं होती हैं। डेक्सट्रिन का स्वास्थ्य पर क्या लाभ पड़ता है? डेक्सट्रिन के स्वास्थ्य पर बहुत सारे लाभ है, न केवल इसलिए कि घुलनशील फाइबर का उचित स्रोत है। एक उच्च फाइबर आहार को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिसमें वजन कम करना, बेहतर त्वचा स्वास्थ्य, उच्च अस्थि घनत्व और कम कोलेस्ट्रॉल शामिल है। फाइबर को एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर भी माना जाता है। फाइबर का एक अद्भुत स्रोत होने के अलावा डेक्सट्रिन को एक प्रोबायोटिक भी माना जाता है। डेक्सट्रिन का सेवन आपके शरीर में लगभग हर सिस्टम को अधिक सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह आपको टॉक्सिफिकेशन और एक नकारात्मक वातावरण से, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचाने में मदद करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।